इसलिए हम अदर प्रोसेस नहीं करते हैं, हमें स्टेडियम में जाता है। एक्सक्लूजन जो है कंटिन्यूअस प्रोडक्ट है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब कि इस पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कंटिन्यू बनेगा। अब कंटिन्यू बनेगा तो मेन है इसका एनालिसिस ही करेंगे। तो अगर हार्ड है तो उसको हम लेंथ में कट कर लेंगे, 3 मीटर का लेंथ, 6 मीटर का लेंथ इसमें कट कर लेंगे। अगर सॉफ्ट है तो हम उसको वाइंड अप करेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक्सट्रूजन प्रोसेस में प्लास्टिक रॉ मटेरियल को सबसे पहले हम प्लास्टिसाइज करते हैं। प्लास्टिसाइज करने के लिए हमारे पास में बैरल और स्क्रू का असेंबली रहता है, जिसके अंदर में वो प्लास्टिसाइज होता है और उसको हीट करने के लिए उसके ऊपर में हीटर्स लगे हुए रहते हैं, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक, वहां से जो मोल्डेड मटेरियल है उसको एक स्पेसिफिक ऑरिफिस से कंटिन्यू बाहर पुशअप करते हैं और उसके बाद उसको कूलिंग करके उसको सेव देते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जैसे कि फिल्म बनाना, पाइप, ट्यूब, प्रोफाइल, मोनोफिलामेंट्स, बॉक्स स्ट्रैपिंग, ये सारे जो प्रोडक्ट है हम लोग एक्सट्रूजन प्रोसेस से बनाते हैं। जैसे कि आप पाइप में देख रहे होंगे, पाइप का हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम के लिए ज्यादातर यूज होता है, बोरिंग में यूज होता है। ठीक है, ये हार्ड पाइप है। इसके अलावा प्रोफाइल, प्रोफाइल हम लोग जो प्लास्टिक के दरवाजे, प्लास्टिक की खिड़कियां आजकल आप देखते होंगे कि जो चौखट भी है वो भी प्लास्टिक से आने लगे, ये प्रोफाइल से बनाया जाता है। इसके अलावा प्लास्टिक रॉड, जितने भी थ्रेड गेज है या फिर बहुत सारे फिक्सर्स जो है मशीन में, बहुत सारे फिक्सर्स ऐसे यूज होते हैं जो कि मशीनिंग करने की जरूरत पड़ती है, तो उस जगह प्लास्टिक रॉड हम लोग यूज करते हैं। प्लास्टिक की रस्सियां, सुतली, वो चीजें, वायर एंड केबल, जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक सॉरी ये मेटल है, मेटल के वायर के ऊपर में प्लास्टिक का एक लेयर चढ़ा रहता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और हमको सॉफ्ट नहीं लगे इसके लिए, तो वो हमारा जो है एक्सट्रूजन प्रोसेस से बनता है। इसके अलावा कैरी बैग, आजकल के समय में तो ज्यादातर इसी का ये चल रहा है, कैरी बैग इसी से बनता है। मोनोफिलामेंट्स, मोनोफिलामेंट्स जैसे कि जो मैं अभी बता रहा था कि जो आपके कपड़े हैं, सॉक्स है, गंजी है और भी उस तरह के आइटम्स हैं, वो सारे जो आइटम्स हैं वो मोनोफिलामेंट से बनाए जाते हैं, बुन करके उनको ये बनाया जाता है। इसके अलावा आपका बॉक्स स्ट्रैपिंग, कार्टून को जो पैकिंग करने के लिए पहले के समय में आप देखते होंगे कि मेटल के स्ट्रिप्स यूज करते थे, तो उसको फिर पैकिंग को निकालना, कटिंग करना या हैंडलिंग करने में हाथों में बहुत ज्यादा लगता था, उसके जगह में अभी आ गए एनडीपी के बॉक्स स्ट्रैपिंग्स आ गए। कार्टून सब पैक करने के लिए इसका ज्यादातर यूज होता है। फ्लेक्सिबल पाइप भी जो गार्डनिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये पाइप हम लोग इस एक्सट्रूजन प्रोसेस से बनाते हैं। एक्सट्रूजन प्रोसेस में जो मशीन यूज किया जाता है उसको एक्सट्रूडर बोलते हैं। एक्सट्रूडर में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका कि इसमें मेन मोटर लगा हुआ रहता है। ये मोटर जो है एसी मोटर या डीसी मोटर होते हैं, चूंकि एसी मोटर या डीसी मोटर का जो आरपीएम होता है, मतलब रोटेशन जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, उसके कंपेयर में हमारा स्क्रू का जो रोटेशन है वो काफी कम होना चाहिए, तो इसके लिए हमारा उसमें गियर रिडक्शन बॉक्स लगा हुआ रहता है। एक्चुअली वो दो गियर की असेंबली रहती है और जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि स्क्रू का आरपीएम को हम कम कर देते हैं। इसके बाद जो थ्रस्ट बेयरिंग रहता है, थ्रस्ट बेयरिंग क्या है, स्क्रू जब बैरल के अंदर रोटेट करता है और उसमें मटेरियल आता है तो उसमें थ्रस्ट जनरेट होता है और उस थ्रस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास थ्रस्ट बेयरिंग लगा हुआ रहता है। नेक्स्ट उसके बाद हॉपर है, हॉपर कॉनिकल शेप का एक पार्ट होता है जहां पे हम लोग मटेरियल फिट करते हैं। अभी इसके बाद में हमारा प्रैक्टिकल सेशन है, उसमें हम आपको ये सारा कुछ दिखाएंगे। ठीक, तो हॉपर में हम लोग मटेरियल फिट करते हैं, वहां से मटेरियल स्क्रू एंड बैरल में जाता है। बैरल के ऊपर में हीटर्स लगे हुए रहते हैं, उनका फंक्शन रहता है बैरल को गर्म करना ताकि उसके अंदर जो भी प्लास्टिक मटेरियल है वो मेल्ट हो। ठीक, उसको मेल्ट करने के लिए इसके ऊपर में हम लोग बैंड हीटर्स लगाते हैं। चूंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो आपको मालूम होगा कि कोई भी चीज को अगर कंटिन्यू रब करेंगे तो हीट जनरेट होगा, तो ऊपर से बैरल में भी हीटिंग हम दे रहे हैं और अंदर में स्क्रू भी रोटेट कर रहा है, तो अंदर में सियरिंग हीट जनरेट होगा। सियरिंग हीट जनरेट होगा तो जो हमारा मटेरियल का प्रोसेसिंग टेम्परेचर है उससे टेम्परेचर राइज कर जाएगा। सपोज कि हम एक पीपी मटेरियल का लेते हैं, ये पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। हमने बैरल का टेम्परेचर 200 से 240 या 250 डिग्री रखा, बट हीटर जो है जैसे 250 डिग्री पहुंचेगा हीटर तो ऑफ हो जाएगा, बट स्क्रू कंटिन्यू रोटेट कर रहा है, उसके कारण क्या होगा, सियरिंग हीट जनरेट होगा और वो टेम्परेचर क्या होगा, 250 से बढ़ते हुए वो 300 तक जाएगा। जैसे ही वो 300 या 300 क्रॉस करेगा मटेरियल डिग्रेड होने लगेगा, मटेरियल डिग्रेड होगा तो प्रोडक्ट खराब निकलेगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए उसमें कूलिंग सिस्टम लगे हुए रहते हैं जो कि ऊपर में ब्लोअर लगे हुए रहते हैं। वो क्या करता है, जैसे ही 250 डिग्री पहुंचता है ऊपर से वो एयर थ्रो करने लगता है, उसके कारण उसका क्या होता है टेम्परेचर फिर डाउन होने लगता है और हीटर फिर उसको इंक्रीज करता है, तो कंटिन्यू ये प्रोसेस चलने के कारण बैरल का टेम्परेचर जो है आप कॉन्स्टेंट मेंटेन कर पाते हैं।
इसके बाद आगे में स्क्रीन पैक एंड ब्रेकर प्लेट असेंबली होता है। स्क्रीन पैक एक ओवन वायर मेस होता है, तार की जाली जैसा कुछ चायपत्ती छानने के लिए चाय छानने के लिए यूज करते हैं उसी तरह की जाली होती है, बट उससे फाइन होती है। ये जो ये स्क्रीन होता है उसका काम होता है मटेरियल में जो भी कंटामिनेशन है, जो भी गंदगी है उसको फिल्टर करना है। और उसके आगे में ब्रेकर प्लेट रहता है, वो मेटल का एक डिस्क होता है, उसका काम रहता है स्क्रीन पैक को सपोर्ट करना, जो भी मटेरियल जा रहा है उसको सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना और बैक प्रेशर क्रिएट करना। बैक प्रेशर क्रिएट करने से क्या होगा, मिक्सिंग बेटर होगा। तो सपोज कि आपने उसके अंदर मास्टर बैच डाला हुआ है तो पूरा अच्छे तरीके से मिक्स हो, तो उसके लिए बैक प्रेशर हम लोग देते हैं ताकि मिक्सिंग बेटर हो, ठीक। बट ज्यादा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको मालूम है ना अति बहुत बुरी होती है, मतलब बारिश तो होना चाहिए लेकिन ज्यादा बारिश नहीं होना चाहिए कि बाढ़ आ जाए, ठीक। तो जितना रिक्वायर्ड है उतना रहना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे एक ट्रांसड्यूसर लगा हुआ रहता है, प्रेशर ट्रांसड्यूसर, वो वहां का